खबर शिवपुरी जिले के खनिया थाना तहसील से है, जहां मायापुर थाना क्षेत्र से 28 वर्षीय पवन सिंह द्वारा कड़ेसरा गांव की नदी के पास फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतक के भाई की पत्नी ने कल रात मायापुर थाने में अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस पति को पकड़ने पहुंची तो पति घर पर नहीं मिला। उसके बदले पुलिस बड़े भाई पवन सिंह को पकड़कर थाना ले आई। पुलिस के समझाने के बाद युवक दौड़ते हुए भाग गया और कड़ेसरा गांव की नदी के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और शव को पेड़ से उतारकर मर्ग कायम कर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की बहू ने बताया कि पति और जेठ दोनों मुझे अपने अपने साथ रखने के लिए मेरे साथ मारपीट करते हैं, जिसके चलते मैंने रात में ही मायापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। ये है कि इनके परिवार की बहू जो नागपुर की रहने वाली है, वो ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने आई है कल से। तो इसका कहना ये है बहू का कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं, मेरा पति और मेरे ससुराल के अन्य लोग, इनको या तो आप बुलवा लीजिए, मैं तभी इन लोगों के साथ जाऊंगी जब ये मुझे अच्छे से रखेंगे, नहीं तो मेरे मायके में नागपुर से लोगों को बुलवा देंगे। तो इसकी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई थी। सुबह इसके जेठ को तलब किया, इसके पति तो मिला नहीं, तो जेठ बोला मैं अपनी बहू को समझा के ले आता हूँ, क्योंकि जेठ आया और बाहर से चला गया, बोले कि मैं इसके पति को ही लेके आऊँगा, जो भी बोल के गया हूँ। इसके बाद पता नहीं अचानक उसने वहाँ कड़ेसरा मायापुर के कड़ेसरा गांव में मुलाकात नहीं हुई, जो जिसको हमारे दीवान जी को जिसको बताया, बोले कि मैं आ रहा हूँ, इस तरह का बोल के वो चला गया।